एग्जाम्पल्स। अब देखो एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ आपको, सिंपल सी स्टोरी, ठीक है। वोल्वो बस सबको बताओगी, वोल्वो, ठीक है, वोल्वो बस जो होती है सबको बताओगी, ठीक है, थोड़ी लग्जरी टाइप बस होती है। तो वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर, उल्लू उल्लू सबको पता है ना, उल्लू का चक्कर स्पैरो, स्पैरो चिड़िया, वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था, ठीक है। ट्रिक क्या है अपनी, वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था। उल्लू भी एक बर्ड है, स्पैरो भी एक बर्ड है, तो दोनों का चक्कर चल रहा था कहाँ पे, वोल्वो बस में। तो देखो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हमें याद हो गए, वोल्वो से हमारे पास आया वोल्वोक्स, उल्लू से यूलोथ्रिक्स, चक्कर से कैरा, और स्पैरो से स्पायरोगायरा, और चल रहा था चल से ये CHAL से CHAL कैलेमेडोनास। अब देखो इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें आ रहा है चारा, ठीक है, चारा, चारा क्या होता है, हरी घास, तो ये हमें पता लग गया ग्रीन एल्गी है। और ये भी क्लोरोफाइसी से ही वर्ड आया है, जहाँ पे CHAL CHL ऐसा कुछ आ जाए मतलब वो ग्रीन से रिलेटेड है, तो यहाँ से इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। देखो ट्रिक जब भी बनाओ या किसी की देखो तो फर्स्ट लेटर से कभी भी मत देखो कि VUCSC, क्योंकि ये सी और एस पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरे वर्ड को ट्रिक में इन्वॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरा वर्ड अपनी ट्रिक में इन्वॉल्व करूं। सेकंड है हमारे पास ब्राउन एल्गी। अब देखो आपको सबको पता होगा कि जब नींबू होता है, जो लेमन होता है, अगर उसको कुछ दिन तक यूज ना किया जाए, रख दिया जाए, तो वो खराब हो जाता है, और खराब होके लेमन का कलर हो जाता है ब्राउन। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि जो दिल्ली का सागर था, ठीक।